कोरोना वायरस और लॉकडाउन को लेकर पीएम मोदी ने राजनीतिक पार्टियों के फ्लोर लीडर्स के साथ बातचीत की। मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी, अकाली दल, एलजेपी, जेडीयू समेत अन्य पार्टियों से लॉकडाउन पर चर्चा की। इस दौरान 80% राजनीतिक पार्टियां लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में दिखी। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड मंत्रालय में प्रधानमंत्री मोदी के साथ आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भाग लिया और कोरोना संक्रमण के संकट से निपटने के लिए विचार विमर्श किया। सर, ये हमारा झारखंड प्रदेश आदिवासी दलित बहुल प्रदेश है। लगभग 40% लोग इन्हीं आबादी से हैं, जो यही आबादी के हैं लोग, और इसको लेकर हमेशा से झारखंड में आर्थिक दबाव बना रहा है। मैं इस पर मुख्य कारण आपको अंकित करना चाहता हूं। जो अभी के समय में लॉकडाउन में हम लोग का राजस्व स्रोत भी बंद हुआ पड़ा है और केंद्र से जो वांछित मद की राशि प्राप्त अभी नहीं हो पाई है। और सर, हमारे यहाँ भारत सरकार उपक्रम बड़े पैमाने में कार्यरत है, चाहे वो CCL हो, चाहे हमारे सेल हो, चाहे कई DVC हो, और इनसे बहुत बड़े पैमाने पर हम लोगों की राशि इनके पास बकाया है, वो राशि भी अभी भुगतान नहीं किया जा रहा है। कृपया इस पर हम आपसे पहल करने का अनुरोध करना चाहेंगे। और जैसे कि GST के विषय में सभी राज्यों ने कहा है, वो राशि भी अभी तक हमें उपलब्ध नहीं हुआ है। वो कराया जाए तो हम इस संक्रमण में की जंग में हमें थोड़ा सहूलियत होगी। और FRBM को लेकर के सभी राज्यों ने भी जो बातें रखी है, जो 3% की राइडर जो पहले से राज्यों को दिया गया है उसमें अगर बढ़ोतरी हो जाए, वो 5% किया जाए, तो हो सकता आने वाला समय में हम लोग को थोड़ी आर्थिक रूप से हम लोग खड़े होने में थोड़ा ये सहयोग करेगा। इसके अलावा सरकार द्वारा दी जाने वाले ऋण स्रोतों एवं उस पर लगने वाले ब्याज भुगतान पर 1 साल के लिए मॉरेटोरियम लागू किया जाए। वर्तमान वित्त वर्ष के लिए ऋण पर लगने वाले ब्याज को भी माफ करने का हम आपसे आग्रह करते हैं। और सर, एक और हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं, जो रिलीफ कोड में प्रति व्यक्ति 60 रुपया प्रतिदिन GR ग्रांट का प्रावधान है। अनुरोध है राज्य को रिलीफ फंड के अनुसार भुगतान की स्वीकृति देने का हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं। ये हम लोग को रिलीफ फंड में ये प्रावधान है, लेकिन इसमें इस पर कोई जिक्र नहीं है प्रतिदिन 60 रुपया प्रति व्यक्ति को देने की। ये स्वीकृति के लिए हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं, ये स्वीकृत किया जाए तो यहाँ के जो अभी बेरोजगार हुए पड़े मजदूर के लिए काफी लाभदायक होगा। मनरेगा के तहत सर, हमारे यहाँ जो कार्य चलते हैं इस पर जो हमारी मनरेगा मजदूरी है, मुझे लगता है देश में सबसे कम है। और इस वजह से और जो लोग मजदूरी यहाँ और हमारे राज्य में सबसे अधिक लोग दूसरे राज्यों में सर मजदूरी करने जाते हैं और लगभग 700-800-900 रुपये प्रतिदिन वो कमाते हैं। और यहाँ पर हमारा मनरेगा मजदूरी अभी जो आपने घोषणा की इसको बढ़ाने के बावजूद भी हम 200 रुपये क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। और मुझे लगता है ऐसे स्थिति में मनरेगा पर कोई मजदूरी कम काम कर पाएगा, जो 1000-1500 जो रोज कमाने वाला व्यक्ति 200 रुपये में काम कर पाएगा, मुझे लगता है कि एक लोगों के अंदर में भी बहुत अलग तरीके की बातें आएंगी, विचारें आएंगी, और जो राज्य के अंदर असामाजिक तत्व हैं वो इसका फायदा गलत तरीके से उठाने का प्रयास करेंगे। इसलिए मैं मनरेगा की मजदूरी 300 रुपये करने का आपसे आग्रह करना चाहता हूँ। सर, इसके अलावा लॉकडाउन एवं सोशल डिस्टेंसिंग के कारण जॉब मनरेगा जॉब कार्ड होल्डर को जॉब ना दिए जाने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता भुगतान केंद्र सरकार से प्राप्त मजदूरी राशि से करने की हम अनुमति आपसे लेना चाहेंगे। सर, लॉकडाउन समाप्त होने के पश्चात 5 लाख लगभग जो हम लोग आकलन कर रहे हैं सर, मजदूर हमारे बाहर राज्यों से हमारे राज्य में प्रवेश करेंगे। हमारी स्थिति कुछ इस तरीके से है सर,
जो आप यहाँ लॉकडाउन खुलता है तो भी हम बहुत मुसीबत में पड़ते हैं, लॉकडाउन नहीं खुलता है तो भी हम मुसीबत में पड़ते हैं, क्योंकि लॉकडाउन को भी बहुत ज्यादा दिनों तक बनाए रखा जा सकता है, ये भी संभव नहीं है। और लॉकडाउन खुलता है तो जहाँ अब जो हमारे पास डाटाबेस हमारे उपलब्ध है सर, वो उन्हीं राज्यों में सबसे अधिक मजदूर फंसे हैं जहाँ सबसे अधिक संक्रमण है। और आज लॉकडाउन अगर खुलता भी है तो वो मुझे लगता है कि बड़े पैमाने पे वो कैरियर बन के हमारे राज्यों में घुसेंगे, और वो जब गांव जाएंगे तो उस स्थिति में थोड़ी सी अराजकता की स्थिति बनेगी।